एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी मम्मी ब्रेकफास्ट बना रही है। आज को ब्रेकफास्ट में इडली बनाएगी, सो इडली की रेसिपी आप लोग से शेयर करेगी। तो इसके लिए आटा को मम्मी ने कढ़ाई में अच्छे से भून लिया है, सूजी मिला दिए हैं और मंगरेला जवान नमक सब मिला दिए हैं। अब इसको पानी दे के गूंदेंगे। हमारा बैटर बनके तैयार है। हमारे पास स्टैंड नहीं है, इसलिए मैंने बॉल्स लिए हैं 3, इसी में बनाए। और इनमें अच्छे से तेल लगा लिया, अच्छे से रोस्ट करके तेल लगा लिया चारों तरफ। बैटर को थोड़ा थोड़ा करके मैंने कटोरियों में डाल दिया है। आप लोग का घर में अगर स्टैंड नहीं हो तो आप लोग कटोरी में भी बना सकते हैं, गोल सेट की कटोरियाँ में। यहाँ पे चना दाल लहसुन मिर्ची का पेस्ट बनाएंगे, चटनी बनाएंगे। इसको भून के फूलने दे दिया था, ये फूल चुका है। अब इसे मिक्सी में पीस लेंगे। गैस को मैंने मीडियम फ्लेम में रख लिया है। और यहाँ पे हमारे पास स्टैंड नहीं था तो इसलिए मैंने प्लेट का यूज़ किया है। यहाँ पे मैंने 3 बॉल्स को रख दिया है ऐसे, और फिर इसे ढक लेते हैं। अब हमारा इडली बना है यानी चेक कर लेते हैं। ये देखिए, चाकू बिल्कुल क्लीन आया है। सो हम लोग का इडली बनके तैयार है। अब इसको निकाल लेंगे करके हम सारी इडलियाँ बना लेते हैं। फिर से मैंने चढ़ा दिया है। और ये देखिए, ये इडली मैंने निकाल ली है। देखिए गोल गोल शेप की हुई है। तो यहाँ पे हम लोग का चना का चटनी तैयार हो गया बनके। इसको ज़्यादा गाढ़ा ना पतला नहीं करना है। देखिए कितना सुंदर चटनी बनके तैयार है। हमारा इडली बनके तैयार है गैस। हमारा ब्रेकफास्ट बनके तैयार है। अब हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे। देखिए कितना सुंदर बना है। और ये चटनी, चने दाल की चटनी। सो गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स दीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।